लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। ये लो 17 नंबर की चाबी माँ जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। दुर्गा कहो बहन, मुझसे 4-6 साल तो बड़ी होंगी आप। अरे ये क्या कह दिया माँ जी, ये तो पुराने नजले के कारण ऐसी लग रही है। वैसे तो अभी 24वां लगा है, छोटा बेटा सेना में था, सूबेदार मजेरी से रिटायर हुआ है। बड़े तुम सबों के मुँह में अभी आना कहने के लिए कि लक्ष्मी दीदी 10 दिन का किराया कम कर दो। गरज पड़ी तो दीदी दीदी, नहीं तो नानी दादी। दुर्गा बहन तुम चलो अपना रूम देख लो। माँ तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, कम बस कहीं से। इमीरा जल्दी आ। माँ मैं चक्की पर गेहूं देकर कादर भाई की दुकान पर जाऊंगा। महीने भर का राशन लाना है ना, और आते वक्त चक्की से आटा ले आऊंगा। पर बड़े आराम से मत आना हरी। नहीं माँ मैं अभी आया। हाँ।
ये बल्ब घर पहुँचते पहुँचते फ्यूज तो नहीं हो जाएगा? अरे नहीं सेठ, फौरन का माल है। अरे तभी तो डर रहा हूँ, क्या पता बीच में कोई कमीशन खा गया हो। आजकल हवा चल रही है स्विस बैंक की। सूखा तो नहीं पड़ा मोती? अब भी गया सेठ। साला बच्चों के तमाम खाता है। खैर धंधा कैसा चल रहा है? वैसा ही जैसे हिंदुस्तान चल रहा है, अपोजिशन बमा बम मचाए हुए। अपोजिशन? आगे चल के तू बहुत बड़ा मिनिस्टर बनेगा। साला अभी से अपोजिशन का ख्याल रखता। खैर तू बैठ, मैं जरा कादर भाई से मिलकर आता हूँ। कहा है आशिक होके उल्लू बन गए कादर भाई, और वो मासूक रकीबा संग गला है कहीं पे। वाह 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 कादर भाई वाह, क्या शेर बोलते हैं आप। मैं भी एक शेर अर्ज करता हूँ। झूम चपर गंजा टपक चीनी के मटके में बिल्ली अंडा दे रही थी, चूहा तेल पी रहा था, आप देख रहे थे आखिर क्यों? ये शेर है? बिल्कुल शेर है। अच्छा मुबारक हो मुकर्रर इरशाद, एक बार और कहिए ना। दोबारा नहीं बोलूंगा। दोबारा नहीं, खैर कोई बात नहीं। अच्छा वो नया घर कैसा है? नया घर बहुत अच्छा है, दो गड़बड़ है उसके अंदर। एक तो उसका टैप लीक करता है, दूसरा बिजली का खंभा है लेकिन बल्ब नहीं है, बस बाकी सब ठीक है। तो बिल्कुल हिंदुस्तान का नक्शा बने लाया है। हिंदुस्तान के नक्शे का तो ऐसा है कादर भाई कि आजकल हवा में भोपाल के गैस की तरह राजनीति छाई हुई है। वहाँ पर वो छुटका जो है ना मोती, वो दिन भर राजनीति छाटता रहता और आप राजनीति तोलते रहते हैं। खैर अगर आपको फुर्सत मिले तो मेरे लिए एक महीने का राशन तोल दीजिएगा, शाम को जाते वक्त ले जाऊंगा। क्या तोल दूं? राशन? फिर से शेर के चक्कर में पड़ गया क्या? ए मोती, चलिए बल्ब लगाकर आज चालीस मुंह डाला कर ही देते हैं। चल तू छोड़ 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 दे, मैं पकड़ लूंगा, छोड़ दे। हाँ अरे बाप रे, एक चकाचक। चाल रस्ते होगी ना, बदन दे रहा है। ये रहा, क्या मजा आया ना। अरे डियर, अरे हिला मत हिला मत। क्या इसमें हंसने की कौन सी बात है? कोई खुशी की बात है क्या? चाल में इधर हो गई। ला बल्ब दे। तुम क्या कहना तुम्हारा? पता नहीं बल को क्या हो गया। अरे टाइट पकड़ना भैया, कहीं गिर पड़ना जाए। आजा आजा राजा आजा। हंसो अब हंसो। आप चानमारी कर रही हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मेरे को बल्ब नहीं चाहिए। देवी जी माफ कीजिएगा, मैं ये बल्ब आपकी खोली में नहीं लगा रहा हूँ। तो लाइट से कहना मेरे कमरे में ना आए, सीधा खिड़की से बिस्तर पर आंख में आती है इसीलिए। अब तो ये आप जबरदस्ती की बात कर रही हैं देवी जी। अरे तेरे को मेरा नाम कब से मालूम हुआ? हाँ अम्मा जहनू में जाए आपका नाम, हमको आपके नाम से क्या लेना देना है देवी जी? अरे वाह 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 वाह, नाम लिए जा रहा और बोल रहा नाम से क्या लेना देना। हरी हा? हजार बार कहा है कि लड़कियों से बहस मत किया कर, चल नीचे उतर। अब बड़ी मां की बात, मैं कहती हूँ कि कहीं बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। तूने क्या चाल की रोशनी का ठेका ले रखा है? तुम्हारी ये सोशल वर्क के कारण हमें तीन खोलियाँ छोड़नी पड़ी हैं, लेकिन अब ये चौथी खोली नहीं छोड़नी। हाँ उठल्लू चूल्हे की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाए अब हमारी उम्र नहीं है। अरे तू अपने काम से काम रख, काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे में। माँ तेरी डांट तो चूरन का काम करती है। हाँ जैसे ही खाता हूँ वैसे भूख लग जाती है, भूख बहुत लगी है माँ। आज खाना मिलेगा कि भाषण से गुजारा करना पड़ेगा? देते हैं जरा जल्दी। तू एक काम कर, हाँ कल सुबह अपने मौसी को खत लिख दे, हाँ और अपना नया पता भेज दे, ताकि सीमा की शादी की तारीख पक्की हो तो वो हमें बता दे। ठीक है भेज दूंगा। आप माँ वो चाली का नलका भी बह रहा है।
हे भगवान, ये बम्बा किसने बंद किया? एक तो 24 घंटे में 24 मिनट के लिए पानी आता है और इसके ऊपर से ये बदमाशी। अगर मुझे पता चल जाए ना तो मैं इस पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगी। तुम लोगों का काम हो जाए तो मुझसे आकर बता देना, मैं बाद में फिर से बुछ लगा दूंगा। क्या है कि मुझसे पानी की बर्बादी देखी नहीं जाती, और ये सवेरे सवेरे भाई चिर चिर कर रही है। इसे बोल दो कि मैं शाम को बम्बा का बम्बा बदल दूंगा। एक तो लाइन में खड़ी नहीं रहती, ऊपर से पत्थर मारने की बात करती है। क्या मुझे खड़ा कि नहीं, बड़ी शानी बनती है। सुन लिया ना चुप्पे चमची हरी की परी। मैं जवान लड़के को अकेला नहीं भेजती। ये फ्यूज तो ठीक है, आप जरा लाइट चेक करके देखिए। हाँ। चलो, कितने पैसे हुए? कमाल की बात करती हैं। अरे पड़ोसियों का भी कुछ फर्ज होता है। चलो। मगर अरे पड़ोसी तो एक दूसरे के काम के लिए होते हैं। चल हाँ, हाँ, चल। अरे चल। हाँ वाह, आया आया। लाओ माँ जी, मेरे को दो। अरे अरे, अपना इसी का दुकान है, शाम को आऊंगी तो कपड़े इसी करके वापस ले आऊंगी। चलती हूँ। इससे ज्यादा जान पहचान बढ़ाने की जरूरत नहीं, वैसे मुझे किसी के बारे में बात करने का शौक नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि इसका बाप जेल में है और भूषण नाम का गुंडा इस देवी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। वैसे मैं इसकी बुराई करके अपनी जुबान क्यों मैली करूं? कमबख्त बड़ी चालू है। आप चांदमारी कर रही हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? माफ कीजिएगा, मैं ये बल्ब आपकी खोली में नहीं लगा रहा हूं देवी जी। हरी, तुम इतने भोले हो कि लगता है मेरे को तुमसे प्यार हो गया है। तारे
शर्माता है वो, कभी कभी मिले भी तो बड़ा घबराता है वो। चलता नहीं, टोस्टर खराब है, इससे गर्म नहीं होती। आप तो ठीक हो ना? हरी से कहना ये सब ठीक करके मेरे घर छोड़ जाए। अबे मोती, ये क्या चक्कर चल रहा है भाई, एक ही दिन में तीन तीन चीजें खराब। अबे ले, अबे टेस्ट कर जल्दी कर। अरे ये तो चल हो गया। अपन को तो पहले ही दाल में छोकरी दिखने लिए, मतलब ये कि अपना हरी जवान हो गीला है। आओ आओ बैठो बैठो, तुम्हारे बगैर पहली धार का दारू वाटर वर्क्स का पानी लगती थी। दादा कहाँ चले गए थे? मुलक गया था। मुलक? मुलक? अरे भैया मुलक सोच समझ कर जाया करो। तुम मुलक गए तो तुम्हारे प्यार पर स्त्री फिर गई। क्या मतलब? अरे भैया मतलब ये कि वो छोकरा है ना, वो झोंपड़ी वाला, वो तुम्हारी देवी के साथ घुट रहा हूँ घुट रहा हूँ घुट रहा हूँ। भूषण दादा का प्रॉपर्टी पर नजर डाले ना साला, भिंडी के माप पे काट डालेगा, खलास कर डालेगा। खलास का मतलब समझता है? खलास मतलब फिनिश। चल अंदर चल, चल ना। कितनी बार कहा कि जवान लड़कियों से दूर रहा कर। ही
इधर क्या शोले फिल्म का शूटिंग हो रहा है क्या? चलो चलो, हम तो अपनी छोकरी से आंख लड़ा रहे। चलो ये क्या कर रही हो माँ? देखता नहीं, मैं सामान बांध रही हूँ। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ नासिक चलेगा। नासिक? लेकिन क्यों? पता है तेरी मौसी ने खत में क्या लिखा है? तुझे पता तो है ना कि तेरी भी एक मौसी है? हाँ। उसकी इकलौती बेटी का नाम सीमा है। उसके होने वाले ससुर ने, राज मेहरा ने पूरे 100,000 दहेज में मांगे हैं। मुझे तेरी मंगनी तोड़ने का शौक नहीं है, पर मैं 100,000 रुपए लाई कहाँ से? मैं शादी ही नहीं करूंगी माँ। मैं अपनी शादी का बोझ हरि भैया पर नहीं डालना चाहती। मुझे मालूम है वो दहेज देने के लिए अपनी बंबई की दुकान भी बेच डालेंगे। देखो भैया, ये सब्जी मंडी नहीं है जो आप भाव करने लगे। मैं तो 100,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगी। अजी, तुम भी तो कुछ बोलो। जी जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। 100,000 रुपए आप बहुत होता है। तुम्हारी बंबई में जो दुकान है उसे बेच डालो। उसका तो 100,000 से भी ज्यादा मिल जाएगा। 100,000 रुपए का बंदोबस्त तू कहां से करेगा बेटा? अरे माँ, सीमा की शादी के लिए तो मैं अपनी दुकान बेच दूंगा। मौसी, मैं आज तेवी से कब मिलवा रहे हो भैया? ये पंडन के कहाँ जा रही ले जानी? काम नहीं है क्या? आधा दर्जन नौकर रख ले, अपन के होते हो तुझे काम करने की जरूरत? हाँ छोड़। छोड़ू कैसे, अभी तो अग्नि के चारों तरफ फेरा लेना है। तुझे खबर है आज तेरा मेरा ब्याह हो रहेला। तू मेरी मर्जी के बिना शादी कर लेगा? जानी, अपन आज तक जो भी काम केला है ना, वो कोई ना कोई मर्जी के खिलाफ ही केला है। मेरे को तेरे से नफरत है। पता है मेरे को, तेरे को अपन लव सिखाएगा। ले साड़ी पहन ले, बारात का इंतजार कर। और हाँ, एक बात कान खोल के जरा सुन ले, अपन चार आदमी बाहर पैरा पर खड़े केला, अगर तूने सटकने की कोशिश की तो ये जो तेरी खूबसूरत टांगे है ना, इसका टंगड़ी कबाब बना के खा डालेगा। अपन ये ऑर्डर पास कर दिया है, समझे क्या? चल अब खड़ा रहा बाबू अपन के। चल अब तेरा बहुत नाटक होगा, चुपचाप दरवाजा खोल दे। काहे को? काहे को का मतलब है? का मतलब है? साले एक मुक्का मारेंगे बुड्ढी खोल देंगे। चल दरवाजा खोल दे, काट दिया तो काट दिया बस। काहे को? अरे चलो फिर काटा काट। उसके डॉलर सौले देख लिया कर दे, जल्दी जल्दी से दरवाजा खोल। कितनी बार नाच का सुनता ही नहीं है। आजा चल राजा, आजा आजा चल आजा। अबे खाए कब घुटता है? आजा चल राजा, आजा आओ चल बचवा कुंडी खोल दे। चलो आवा आवा भाऊजी आवा। जाना तो अभी कौन है? ये हमार भैया की होने वाली ऊ है। ऊ का मतलब जान रोका है। तू रहता कहाँ पे? पिछवाड़े में। पिछवाड़े में
इधर को मुंडी करके भी मत सोना, वो नाक फोड़ डालेंगे। आग फोड़ने का मतलब जानते हो? आग खलास, फिनिश। का का हाँ, चल जा 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 के फिर खींच के मारूं सा आले को। का जुड़ा कहीं का। चलो भाऊजी बेटा बातचीत करते हैं, चलो। हाँ हाँ जी साला, उल्लू का पट्टा। ये भूषण अपने आप को दादा समझता का? उसको मालूम नहीं काम पर दादा हूँ? अरे अरे क्या कर रही हो? पर जीजी का चरण तो छूना चाहिए ना। चरण छू रही हो? ऐसा है कि जब कोई हमारे चरण छूट है ना तो हमको बहुत गुड़गुड़ी होता है। तुम ऐसा करो कि अंदर जाकर तनिक पानी और एक तो गिलास ले आओ, बाद में आराम से पांव छूट रही हो। कट कुट कुट देख रही हो। चलो हम ऐसा ही नीट पे जाते, हमारा तो दो तीन बाटली का रियाज है ना। हाँ अब ऐसा करो कि बिस्तरा लगाओ, फिर आराम से पांव चुकी रहना। बल्कि ऐसा काय को नहीं करती कि बिस्तरा लगाकर तुम लेट जाओ और हम तुम्हारा पांव छू लेंगे। अरे देखिए कहो, तुमको मालूम नहीं है का? ये हमारे खानदान का दस्तूर है, हर चीज बांट कर खाई जाती है, जमीन पानी खाना। जैसे तुम उसकी वैसे हमारी। इका करते हैं कि खड़ा खेल फिर रखा वादी। मेरे खानदान का ये रिवाज नहीं है। अरे पगली, तुमने महाभारत नहीं पढ़ी थी क्या? उसमें भी तो पांच पांच भाइयों ने एक एक मेरे एक, कमरे से निकल जाओ कि मैं महाभारत शुरू करूं। तुम तो बड़े बेशरम हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे मेरी श्रीदेवी, मैं ओम नहीं हरी हूँ। दूर 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 से बात करो। अरे मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था पगली। मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। मेरा हरी तो दारू को हाथ भी नहीं लगाता है और तू मेरे सामने पूरी बोतल चढ़ा चुका है। हाँ चढ़ा चुका हूँ, क्यों नहीं चढ़ा चुका हूँ। लीजिए बोतल को जरा सूंघ कर देखिए, इसमें तो दारू है ही नहीं। हाँ तो मैं भी ओम नहीं। तुमने मुझे उल्लू बनाया? बिल्कुल नहीं, अपने उल्लू को उल्लू बनाने की क्या जरूरत है? सच कहो कि तेरा कोई बड़ा भाई नहीं है? अरे पगले का कोई भाई भाई नहीं है। अरे ओ अरे क्या करी, अरे छोरी फट गई रे चक्कर चला के हमको लिया फसाए, ऐसी दीवानी से तो राम बचाए। छोरा फट गया रे चोरी करे वो हमको चोर बताए, छोरा फट गया रे चोरी करे वो हमको चोर बताए। Oh,
शोर दिल की लगी जब लग जाए तो दिल पे चले ना जोर अरे ताना मारे सारा जमाना लोग मचाए शोर दिल की लगी जब लग जाए तो दिल पे चले ना जोर जो प्यार बन के दिल में समाए वो दिल से फिर ना जाए माजी। क्या हुआ दीदी मेरे दोनों बेटे भी ऐसे ही थे अगर ओम मुझसे बचपन में बिछड़ न जाता तो आज हरि जैसा ही होता दीदी क्या हरि को मालूम है कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है बताने से क्या फायदा होता आज जैसे मैं एक बेटे को खोकर तड़प रही हूँ वैसे हरि भी अपने भाई के लिए तड़पता रहता भगवान ओम जहां भी है उसे ओके वेलकम हीरे जो तुम मेरे लिए सिंगापुर से लाए थे कहां है कौन से हीरे मुझे नहीं मालूम हीरे कहां है मुझे नहीं मालूम बोल हीरे कहां है मुझे नहीं मालूम हीरे कहां हीरे कहां है मुझे नहीं मालूम बोल हीरे कहां है मुझे नहीं मालूम कहां है हीरे कहाँ है हीरे मुझे नहीं पता कहाँ है हीरे कहाँ हीरे कुल्लू के पास है अब क्या होगा सेठ हीरे तो गए नहीं जो हीरे इस नमक हराम के पैर से चलकर गए थे अब ओम के पांव से चलकर वापस आएंगे शक्ति कहां है Cheers! अरे जालिम अरे मेरी भूल पुटी तुम्हारे साथ सुहाग रात गुजारने के बारे में सोचने के अलावा मेरी जिंदगी में मुझे और कोई काम नहीं रहा चाहूं तो एक किताब लिख सकता हूं सुहाग रात मनाने का तरीका 40 इजी लेसन्स पर क्या कि मेरा बड़ा भाई लिखने के खिलाफ है कहते हैं कि लिखी हुई चीज
इनकम टैक्स के हाथ में पड़ जाती है। और डालिंग, हमारे धंधे में हमारा नाम है, हमारी इज्जत है। किताब लिखने का यह मतलब हो गया कि हम लोग अपने धंधे में कड़के हो गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत कर। मैं ये 40 के 40 लेसन तुझे जुबानी सुना दूंगा। कौन है? इसकी कोई जरूरत नहीं। गिर गई? अरे अरे अरे, चोट तो नहीं लगी? माफ कर दो, ये मेरा बड़ा भाई है। आहा, फिर भी मुस्कुरा रही है, तुम कितनी अच्छी हो। भैया तुम ऐसे डराया मत करो। मैं तुम्हें डरा नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हारी नहीं उनकी गर्लफ्रेंड है। नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसका पुजारी हूँ। ये बेवकूफियां छोड़ो, बड़े हो जाओ, मैं हाथ बटाओ, वरना देखो मेरे बाद अंडरवर्ल्ड में तुम्हें कोई घास तक नहीं डालेगा। घास नहीं डालेगा तो मेरे ठेंगे पे, मुझे अपने आगे घास डलवानी होगी तो मैं बाजार से खरीद कर डलवा लूंगा। शक्ति, कभी तो मेरी बात ध्यान से सुना करो। कलोम, गुल्लू के यहां से मेरे हीरे पार करने वाला है, तुम्हें गुल्लू का ध्यान बटाने के लिए ओम के साथ जाना है। गुल्लू का ध्यान बटाने के लिए ओम को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम्हें ओम के साथ जाना है। ओके ओके। भाई है कि राक्षस डालिंग, तुम हंसती रहो, लेटी रहो। मिस्टर करमचंद, बोलो। मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आप एक बहुत बड़े प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मैं अपने मुंह कैंप में मिटू बनूं अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन फिलहाल आप काम की बात करो मिस्टर टुल्लू। अरे मेरा नाम टुल्लू नहीं, मेरा नाम गुल्लू है। सेम है। राम से ने कुछ हीरे सिंगापुर से मंगवाए थे और जो आदमी वो हीरे लेके आ रहा था उसे मैंने खरीद लिया है और अब वो हीरे मेरे पास है और मेरे को डरे के वो हीरे राम से फिर लेने की कोशिश करेगा। आप एक काम करो, अपने सब आदमियों को यहाँ बुलाओ। क्यों? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाता है, ये बहुत पुरानी कहावत है, सुनना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। हो सकता है कि मिस्टर रामसे ने तुम्हारा कोई आदमी खरीद लिया हो मिस्टर टुल्लू। अरे मेरा नाम टुल्लू नहीं, गुल्लू है। ओके जाओ, सबको बोलो। दाढ़ी सुना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है? हाँ, इसकी दाढ़ी में भी तिनका है। आपकी गैंग का चो यही है, यही है, यही है, यही है। क्या आपकी गैंग के अंदर और कोई भी दाढ़ी वाला है? नहीं। जाइए आपकी मा, मेरा मतलब है कि चोरी हो गई मिस्टर टुल्लू। अरे मेरा नाम टुल्लू नहीं, गुल्लू है। चलो। ओम हमारे हीरे ले गया। आपके हीरे ये लीजिए राम से सेठ। बोलो तुम्हें क्या दूं, मोल तोल तो मैं करता नहीं सेठ जी। 50 लाख के हीरे हैं, सरकार को देता तो 10% मिलता, आपसे 1% लूंगा। मजदूरी ज्यादा मांग रहे हो। खैर तुम्हारे और मेरे खिसे में क्या फर्क, तुम तो मेरे फैमिली मेंबर की तरह हो। फिर पूरा माल क्यों नहीं देते? ऐसे बोलने से कोई फैमिली मेंबर नहीं बन जाता सेठ जी।
मेरे फैमिली में सिर्फ मेरे बाबूजी हैं जो बरसों से अस्पताल में बीमार हैं और उन्हीं के इलाज के लिए, वरना अपने सही दिमाग का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं करता। जानता हूं लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इन्हीं हीरो के पीछे गुल्लू था, अब वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। वो मोटा मुझसे क्या दुश्मनी करेगा, वैसे तो बंबई में जिसको आत्महत्या करनी होती है वो मुझसे दुश्मनी मोल ले लेता है। जब तक ये शुरू करो मैं दो पराठे और ले आती हूँ। अम्मा पराठे छोड़ो यार, पहले मेरे पास। क्या हुआ? नमक कुछ कम है। अब ठीक लगता है। कब तक लौटोगे नासिक से? ये तो बाबा की हालत पर है, दो तीन महीनों से मिलने नहीं गया। आज डॉक्टर से खुलकर बात करूंगा, अगर वो ठीक हो सकते हैं तो उनको इलाज के लिए अमेरिका भी ले जाऊंगा, और अगर नहीं तो घर वापस ले आऊंगा। और क्या, हम दोनों मिलकर तो उनकी देखभाल कर ही लेंगे। अब रीता, तुम मेरे बाबा को इतना प्यार करती हो, और तुम्हें भी। सीमा कैसी है? अभी तो ठीक है। मेरे बस का रोग नहीं है, जो हादसा इनके साथ हुआ है उसने इनके सबकॉन्शियस में घर बना लिया है। मेरी राय यह है कि अमेरिका से डॉक्टर बर्नार्ड को बुलाया जाए, वह ऐसे केसेस का स्पेशलिस्ट है, पर खर्चा बहुत होगा। टू हेल विद योर हर्ट्स डॉक्टर। मैं 8 साल का था तभी से इनकी सेवा कर रहा हूं, 15 साल हो गए इनकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। डॉक्टर कुछ भी करके इनकी जिंदगी बचा लीजिए, इनके सिवा मेरी जिंदगी में छांव का एक टुकड़ा भी नहीं है, इनके बिना मेरी आत्मा कंगाल हो जाएगी। डॉक्टर आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं रुपयों का ढेर लगा दूंगा। डोंट बी एक्साइटेड मिस्टर होम। डॉक्टर जिस आदमी का बाप 20 साल से बोला ही ना हो, वो आदमी एक्साइट ना हो तो क्या हो? हरी आया था क्या? अभी तो नहीं आया। आओ रोमा आओ, ये लो, बाकी कपड़ों की जल्दी नहीं पर इन दो कपड़ों पर आज इस्त्री फेर देना, रात को चाहिए पहन के सोने के वास्ते। अरे नहीं रे पगली, मैं अपने पतिदेव को मैड हाउस ले जा रही हूँ। क्या वो पागल हो गया? नहीं रे देवी, मैड हाउस तो डिस्को क्लब का नाम है, मुझे नौकरी मिल गई है ना इसी खुशी में। अच्छा जल्दी करना, मैं आ रही हूँ। मैड हाउस, मैड हाउस, मैड। क्या हो गया इसको? हाउस, मैड हाउस। डॉक्टर बुलाओ। मैं और तुम। मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम मुझे गड़बड़ लग रही हो। तुम पागल हो। अरे मैं कोई पागल पागल नहीं हूँ, वो तो बेवड़े दुग्गल ने खबर फैला दी है, नहीं तो मेरे पूरे खानदान में कोई पागल नहीं है। मेरे को वाले चलो ना। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? अरे चलना है तो फिल्म देखने चलो, फिल्म सिटी चलो। अब ये पागल खाने जाने का शौक तुमको कब से हो गया? मैड हाउस पागल खाना नहीं है। तो क्या भटियार खाना है? क्या है क्या चीज वो? अरे 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 अरे, अरे ये क्या? नाच बेबी नाच, लगता है इसको किसी भूत ने पकड़ लिया। अरे तुम यही खाने का, मैं किसी
भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे अरे क्या है, अरे तू तो बुद्धू का बुद्धू रहेगा। मैं आज हाउसिंग डिस्को है तो वो भी तो एक बीमारी है। अरे एक काम करते हैं ना, चलकर डिस्को डांसर देखते हैं। क्या हिट पिक्चर है, क्या हिट गाने हैं। कड़की भी लगी और जेब में सिर्फ 50 रुपए है। मेरे पास 30 रुपए है और ये कपड़े भी है। चलो चलते ना। ये कितना मैड हाउस मैड हाउस मैड हाउस कर रही हो, सुन सुन कर मैं मैड हो जाऊंगा। हाँ तुम जब कह रही हो चलकर देखते हैं तुम्हारा ये मैड हाउस। मेरी टांग। अरे अरे क्या? हेलो बोलो बॉस। ओम मैड हाउस पहुंच चुका है। आज उसके साथ रिटा नहीं, कोई नई लड़की है। ओके नजर रखना ओम पे। ओम क्या आया आया। अरे चलो क्या क्या चलो चलो वहां पे। अरे क्या बात है, कहाँ ले जा रही हूँ। मारूंगी मैं। क्यों ये क्या? आपके लिए विस्की और मैडम के लिए जूस। मेरे लिए विस्की क्यों? अरे ओ Keep it, keep it. Good English, good English. Yes, yes. दूर पे मुझे ओम साहब हमेशा 100 रुपए ट्रिप देते थे, आज सिर्फ 2 रुपए। क्या हो गया इनको? साहब जरा एक मिनट। ए, बुलाता है, बुलाता है। वो तेरे को बुला रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। आप जाओ। You wait. No mention, no mention. Yes, coming. All right, all right. साहब, जरा इधर। चल। साहब, आप 5 साल से हर रोज यहाँ आते हैं, लेकिन कभी भी आपने मेरे को 100 रुपए से कम टिप नहीं दी। लेकिन लगता है आज आपकी जेब में पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। 5 साल ये 100 रुपया रख लीजिए, वो बिल भी मैं ही दे दूंगा। अरे नहीं 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 रख लीजिए। अरे नहीं 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 साहब, भाई साहब सब रख लीजिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, 5 साल से जानता है, पागल लगता है। चलो। अरे देवी, तुमने इस होटल का नाम बताया था ना, मैड हाउस, पागल का घर। सही है, पागल खाना है। क्यों? वहां वो पागल वेटर मुझे ले गया और कहने लगा कि मुझे 5 साल से जानता है और 5 साल से मैं उसको रोज 100 रुपए का नोट देता हूँ और आज उसने मुझे 100 रुपए दिए। पागल है मैड हाउस। दिन भर इसी करके सिर्फ 20 रुपए कमाते हैं, लेकिन हर शाम को यहाँ आएंगे तो रोज 100 रुपए मिलेगा। लेकिन ये 100 रुपए मेरा है। मेरा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें 100 रुपए रख लो। हाँ कोई मतलब नहीं। कम ऑन डार्लिंग, आओ डांस करते हैं। डांस? नो 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 नो, आई एम डांसिंग ओनली देवी। चल फुटफुट फुटफुट। एक्सक्यूज प्लीज। कम आर यू हू? शट अप यू स्काउंडल। गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश। वेरी गुड। साहब आपके लिए फोन। मेरे लिए? हाँ फोन। जी हाँ। थैंक यू सर। हेलो बरखुरदार, तुमने जो हमारे साथ किया अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या? मेरे हीरे तो मुझे मिल ही जाएंगे, पर आज की रात तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात। हेलो हेलो, आर यू हू स्पीकिंग? यमराज बोल रहा है। सुनो, आज ओम मैड हाउस से जिंदा घर वापस ना जाए, खत्म कर दो उसे। अब किसका फोन था? यमराज का। हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है। नहीं। भाग चलो, 100 रुपए ले लो। चलो चलो भागो, चलो चलो इधर से भागो भागो। देखा, साली मेरे कपड़े पहनकर डिस्को घूमने आई है, मैं अभी उससे अपने कपड़े लेके आती हूँ। भागो। हाँ चलो। अरे देवी रुक जा। चलो देवी अरे रोमा रुक ना। देवी मेरे कपड़े। अरे रोमा रुक रुक इधर आना। अरे देवी मेरे कपड़े। रोमा रोमा देवी। हेलो हेलो, मैं ओम बोल रहा हूँ। बैठो बैठो। क्या
पे जल्दी बैठो, टिक्की बंद कर, नीचे कर जल्दी। अब तो डिस्को चलो। जान लेना चाहते थे। वो तो ठीक है, तुम्हारे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस है? जी। कहाँ है? गाड़ी में। बताओ। चलो। चलो। ये तो मर्डर केस है। चलो कहीं से पुलिस को फोन करते हैं। अरे क्यों पुलिस का झंझट में फंसता है, कोर्ट का चक्कर लगेगा। क्या बात कर रही हो? अरे पुलिस की मदद करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। हाँ हेलो, हेलो, हाँ हेलो, हेलो पुलिस, हाँ यहाँ पर लाल चौक पर एक इंस्पेक्टर का खून हो गया, लाल चौक पर। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हो? हेलो, यहाँ लाल चौक पर इंस्पेक्टर का खून हो गया, बस आप लोग जल्दी से यहाँ पहुँच जाइए। हेलो हेलो हेलो, अरे देवी, हेलो, चलो यहाँ से भाग चल, चलो। हेलो, माय गॉड, अब क्या होगा? साहब का खून हो गया, हम इन्हीं साहब के साथ आए थे, यादव साहब ने इन्हीं को पकड़ा था, इन्होंने गोली मारी होगी। मैं तुम्हें इंस्पेक्टर यादव के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। बस
मैं सिर्फ तुम्हारे वो हरामजादे और कमीने भाई की वजह से यहां। उसने तो मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की थी मगर लग गई उस पुलिस इंस्पेक्टर को। मैंने गलती की ही नहीं, इसे सजा मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं अभी तक चुप हूं, मैंने अपनी जबान नहीं खोली, कोई बयान नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वरना मैं अगर चाहता तुम्हारा भाई यहां आता। और सुनो, मुझे मालूम है तुम अपने भाई को बहुत प्यार करते हो। अगर उसको बचाने के लिए तुमने मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की। तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना, वो मेरा भाई है, मगर मैंने तुम्हें उतना ही प्यार किया है। देखो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा बहुत जल्द। ए गाड़ी वाले, तू क्या देख रहा है, गाड़ी का मीटर बढ़ा रहा है क्या? चल जल्दी से गाड़ी चला, मुझे उस गांव पर पहुंचना है। ए संभाल, आगे पत्थर है। संभाल लिया। तालाब के उस पास मेरी रीटा की छोटी सी कुटिया है। कुटिया नहीं, कॉटेज है, कॉटेज। हाँ, और मेरे प्यार के इंतजार में सूख गई होगी, पागल हो गई होगी, देवदासी होगी होगी। है देवदासी तो होता नहीं, तू समझ गया ना? अगर मुझे रीटा ना मिली, मैं इस दुनिया को जला कर राख कर दूंगा, आसमान को जमीन पर ले आऊंगा। गाड़ी वाले, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भैया, अगला जन्म मैं ठेंगा बनूंगा छोटा भाई, सारे इश्क का मूड खराब कर दिया। मैं सैड सॉन्ग गा गा कर अपनी आवाज का दर्द बढ़ा रहा था। खैर बाकी ओम हवालत में है और हमें किसी भी तरह उसे वहां से निकाल ले आना है। तुम मेरे भाई हो भैया या मेरे दुश्मन? उस साले को जेल में तब तक सड़ने दो जब तक मैं रीटा को अपना ना लूं। अगर वहां पुलिस वालों ने ओम की जुबान खुलवा ली तो उससे पहले तुम जेल में जाओगे, क्योंकि इंस्पेक्टर यादव पर तुमने गोली चलाई है। नहीं भैया नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसकी बात पर कौन यकीन करेगा? पहले वो चोर था और आज कातिल। ठीक है, तुम रीटा के बगैर जी नहीं सकते और मैं तुम्हारे बगैर, इसलिए ओम को हमें फांसी दिलवानी ही पड़ेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। कभी बताया नहीं कि उसका कोई छुड़वा भाई भी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ओम से मिलना है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ओम से मिलना है। ओम ओम ओम। क्या बात है? बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों चाहते हैं कि शादी के बाद तुम घर जमाई बन जाओ। घर जवाई? हाँ हाँ, घर जवाई बनकर तुम ससुराल ही में रहो। उनसे कह दो कि कोई भी शरीफ आदमी घर जवाई बनना पसंद नहीं करेगा। वो भी तुम्हारे जैसा शरीफ आदमी। आप चुप रहिए, ये मामला पुलिस का नहीं है, घरेलू है, आपके समझ में नहीं आएगा। मुझे समझना भी नहीं है। खैर, क्या कह रही थी तुम? अब दुल्हन क्या करे, वो तो फंस गई ना। काहे को फंस गई? बड़ी बेवकूफ है वो। तुम जाकर उन दोनों भाइयों से कह दो कि दूल्हा ससुराल में रहेगा नहीं, और अगर फिर भी वो दोनों ना माने तो छोटे भाई की गर्दन पकड़कर मेरे पास ले आना, मैं उसे समझा दूंगा। ए भाई, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये उसको इधर पकड़कर क्यों लाएगी? इधर सिर्फ हम लोग पकड़कर लाते हैं, क्या समझा? ये तुम्हारे घर का मामला है, किधर मत लाना। तो फिर किधर लेकर जाए? उसको कहो उसको पकड़कर उसका लफड़ा उधर ही मिटा दे, समझे? वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो रीटा,
तुम वही करना जो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा है, उसको पकड़कर। मैं समझ गई। नहीं समझी तो मैं समझा देता हूं कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए एक सौतन लेकर आ रहा है। क्या करूं डार्लिंग, मजबूर था। मैंने कितनी बार अपने प्यार की एप्लीकेशन तुम्हारे सामने डाली, लेकिन अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मिस बबली के सामने अपने प्यार की एप्लीकेशन डालूं। और जानती हो क्या हुआ, इधर मैंने अपने प्यार की एप्लीकेशन डाली और उधर स्पीड पोस्ट से जवाब आ गया कि वो आ रही हैं, मिस बबली आ। इसलिए डार्लिंग तुम कुछ दिनों के लिए पर्दे में छुप के रहो। चांद
चांस मिले जब लगा तो खुल के करो रोमांस। और बढ़ेगा डालिंग, अप्लाई अप्लाई, आखिर में रिप्लाई। मैं जानता था कि तुम मेरे प्यार को जरूर स्वीकार करोगी। हाँ मैं आ रहा हूँ, सर के बल आ रहा हूँ। रीटा डालिंग, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। इधर भी मार दे, मार दिया। और डालिंग, अब तुम कुछ दिनों के लिए पर्दे के पीछे रहो, मैं चला। मेरा डन्ना ये टेलीफोन, यू आर ऑल्सो वेरी नाइस। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि आज मैं कितना खुश हूं। अरे रीटा, मेरे जैसी अच्छी किस्मत कोई ब्लैक मार्केट से खरीद कर भी नहीं ला सकता। हाथ में बेहतरीन शराब का गिलास हो और सामने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की। आ हा हा हा, कसम से कहता हूं रीटा, बरसों से मैंने तुम्हें सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा। अगर और किसी लड़की का ध्यान आता तो उसके ख्याल को फुटबॉल की तरह किक मारकर गेट आउट कर देता। पर रीटा, मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम खुद अपनी मर्जी से आज मेरे सामने खड़ी हो, मेरे पास खड़ी हो। अरे तुम लोग क्यों नहीं हो? तो और क्या करूं, सोना चला आ रहा है। क्यों? मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। कौन साला ये कहता है? मैं साली ये कहती हूँ। ओम के जेल जाते ही मेरे तेवर बदल गए और मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागा। मैं एक गिरी हुई औरत हूँ शक्ति। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लूंगा। कैसे? अरे मैं हर रोज वेट लिफ्टिंग करता हूँ और फिर तुम तो फूल जैसी हल्की हो, तुम्हें उठाना क्या मुश्किल है। जरा इसको पकड़ो, ये लो मैंने तुम्हें उठा लिया, ये तुम्हें घुमा दिया। मैं पूछ रहा हूँ मेरा भाई कहाँ है? मेरे पास है, मौत और जिंदगी के दो राह पर। अगर तुमने ओम को हवालात से बाहर ना निकाला तो मैं तुम्हारे भाई को मौत के रास्ते पर मोड़ दूंगी। तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा तेज निकली। तो तुमने मेरे भाई के साथ ये इश्क का ड्रामा इसलिए खेला था? हाँ, तुम क्या समझ रहे थे ओम को उस पुलिस वाले के कत्ल के इल्जाम में फांसी चढ़वा कर तुम साफ निकल जाओगे? अगर ओम न छूटा तो अपने भाई का पुरसा आज ही ले लो। ठीक है, ओम से कह दो कि कचहरी के रास्ते में पुलिसमैन को कहीं रुकवा ले।
बाकी मैं देख लूंगा। ये कोई नई चाल तो नहीं? चाल तो है मगर बिल्कुल नई। नहीं बाद में। मैं भी आया, बिजली का सामान लेने आया होगा, दुकान को थोड़ी खरीदने आया होगा। हम गाड़ी का सामान नहीं बेचते सेठ। लेकिन दुकान तो बेचते हो, क्या लोगे इस दुकान का? वैसे हम मोल तोल करें तो 2.5 लाख, वरना 1 लाख। ठीक है ठीक है। हाँ मैंने कहा ठीक है जी। 2 लिपस्टिक्स, 1 मस्कारा, ठीक है, 1 ब्रश, सिगरेट, परफ्यूम, और ये रहे 250 रुपए। ये सिगरेट में ले जा सकती हूँ? 1 सेकेंड, ले जाओ। हवलदार साथ में जाओ। अरे भाई ये तो हमें बात करने नहीं देंगे, मैं चलती हूँ। ओम नमस्ते। ये लो ठीक से पढ़ लो और साइन कर दो। अरे नहीं साहब, आपने लिखा है तो सही लिखा होगा। देखो हरी, बेपड़े किसी कागज पर साइन करना अच्छा नहीं। नहीं साहब, आपका लिखा हुआ कागज पढ़कर हम आपका अपमान नहीं कर सकते। साहब आपने तो असंभव को संभव कर दिया। अगर आप हमारी दुकान न खरीदते तो हम अपनी बहन के सामने झूठे पड़ जाते साहब। हाँ साहब, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे दुनिया में इतना सीधा होना ठीक नहीं साहब। सीधे के साथ तो सीधे रहना चाहिए ना। थैंक यू। और ये रहे तुम्हारी दुकान के दाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गिनोगे नहीं? गिन लो। 1 लाख गिनने में बड़ा मजा आता है। वो तो सही है साहब, मगर आपने सही गिन कर दिया होगा। चलते हैं। अरे तुम इतने सीधे साधे हो, मुझे डर लगता है कि ये सीधापन तुम्हें कहीं फांस न दे। अरे साहब हमें कोई क्यों फंसाएगा, अपना तो सीधा रास्ता है और आप तो देवता स्वरूप आदमी है। चलते हैं साहब। अरे मेरा पेन। चलकर बहन की शादी वादी करते हैं। अच्छा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केवल मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये बैग मुझे दे दीजिए। मेरी बहन की शादी रुक जाएगी भाई साहब। बहुत मुश्किल से अपनी दुकान बेचकर मैं ये पैसे लाया। मैं आपके पांव पड़ता हूं भाई साहब, ये बैग मुझे दे दीजिए। तुम्हें बैग चाहिए? लो आओ आओ।
कहाँ गया? यादव के कत्ल का मुकदमा पूरी तरह साबित कर दिया है, इसलिए यह अदालत मुजरिम को जेरे दफा 302 मौत की सजा देती है। आप हमें फांसी की सजा क्यों दे रहे हैं सरकार? इंस्पेक्टर यादव का नाम तो हमने पहली बार सरकारी वकील के मुंह से सुना। मगर गवाहों ने तुम्हें शिनाख्त किया है ओमकार। फिर ओमकार? हम हजार बार कह चुके हैं सरकार, हम हंकार नहीं है। हमारा नाम हरी है, हम एक मामूली इलेक्ट्रिशियन है। माई बाप अपनी बहन के दहेज के लिए 1,00,000 रुपए नासिक ले जा रहे थे, ये कभी ना आया और छीनने लगा। अब आप ही बताइए माई बाप, हम अपनी बहन का दहेज कैसे छीनने देते? छीना झपटी में हमें हथकड़ी पहना गया, खुद भाग गया पैसा लेकर। हम मदद के लिए चिल्लाए तो बजाय इसकी पुलिस मदद करे हम पर ही झपट पड़ी। वो कितना मारा सरकार, और आप न्याय करने की बजाय हमें फांसी की सजा दे रहे हैं सरकार। ये न्याय तो नहीं हुआ सरकार, न्याय तो नहीं हुआ। ये एक नंबर का लफाड़िया है ये ओनर। ये कोई फिल्म राम और श्याम नहीं कि जुड़वा भाई निकल आएंगे। ये ओंकार है, इसे गवाहों ने शिनाख्त किया है। हो सकता है ये हरी भी हो, और ये भी हो सकता है कि नासिक में इसकी कोई माँ भी हो और इसकी किसी बहन की शादी होने वाली हो। पर इसे पुलिस ओमकार के नाम से ही जानती है, और इस अदालत ने इसे ओमकार मानकर ही सजा दी है। सजा नाम को नहीं, सजा इस आदमी को दी है जिसे इंस्पेक्टर यादव का कत्ल किया। मुजरिम ओमकार नाथ, मेरे ख्याल से वकीले सरकार ठीक कह रहे हैं। अरे साहब, नहीं साहब, मुझे छोड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ो, मैं आपके पैर में पड़ गया साहब, मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो साहब, अरे नहीं साहब, नहीं, अरे नहीं, अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वो नहीं हूँ, मैं हरी हूँ साहब, अरे नहीं साहब, अरे नहीं 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 साहब, अरे नहीं साहब, अरे नहीं, ये साहब ऐसा क्यों मत करो साहब, अरे मुझे छोड़ो साहब, अरे साहब नहीं साहब, साहब साहब, अरे साहब साहब, अरे भैया, अरे हवलदार जी, अरे भैया ओ हवलदार जी, अरे हम गीता की सौगंध खाकर कहते हैं, अरे जब हम ओंकार है ही नहीं
तो हम उसके हिस्से की फांसी क्यों चढ़े? अरे वाह, ये तो जबरदस्ती की बात है। अरे मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए आप लोगों ने मेरा नाम तक बदल दिया। अगर फांसी देनी ही है तो जाकर सौंप खुदो। चिल्ला क्यों रहा है? हम चिल्ला नहीं रहे जेलर साहब, हम हरिप्रसाद हैं। हमें ओम बनाकर फांसी दी जा रही साहब। चौप साला, कत्ल करते वक्त तुझे ख्याल नहीं आया था कि अगर पकड़ा गया तो सीधी फांसी की सजा होगी? शोर करके दूसरे कैदियों को परेशान न कर, अगर दोबारा शोर मचाने की कोशिश की तो तेरे मुंह में जूता ठूस दूंगा। समझा? जब साफ जा जानते हैं कि तू आइए ना इंगे बा इकड़े आ ए एडिके एशो
बड़ी बातें कर रहे, बातों में है कोई दम नहीं। मेरी भी सूरत तुझसे हंसी कुछ कम नहीं। रात है ये बाहों में तू भर ले मुझे, जितना भी दिल चाहे प्यार यहाँ कर ले मुझे। लाख रुपया मिलते ही गुलशन उड़ाने लगा। लगता है बहन की शादी भूल गया। हरी को तो बाद में देखूंगी, पहले इस लड़की को सबक सिखाती। ओम, ऐसा तुम्हें लगता नहीं कि हम दोनों जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें बस प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है? जो पल मिले उसे गनीमत जानना सीख लो रीटा रानी। ये जिंदगी मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। मुझे बाबूजी के इलाज के लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत है, और बदकिस्मती से ईमानदारी का कोई भी रास्ता लक्ष्मी जी के मंदिर की तरफ नहीं जाता। अच्छा अच्छा, अब तुम सो जाओ, कल सुबह तुम्हें नासिक जाना है। साली मरद चोर। हेलो, कैसी हो? Thank you.
Yes, control room. Sir, मैं लेडीज क्लब जुहू से बोल रही हूँ. यहाँ दंगा हो रहा है. कौन दंगा हो रहा है? ओफो, यहाँ कोई नंगा नहीं हो रहा है, दंगा हो रहा है, दंगा. Coming. आप इतनी देर से क्यों आए? हम पुलिस वाले हैं. जल्दी बताओ कौन नंगा हो रहा है? जी नंगा? यहाँ कोई नंगा नहीं हो रहा, वहाँ दंगा हो रहा है. किधर? वहाँ स्विमिंग पूल पे. यहाँ तो सब आराम से बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा. चलो. मैडम, यू आर रॉन्ग. वहाँ कुछ नहीं हो रहा. वहाँ देखिए क्या हो रहा है. यू आर राइट. अब कुछ हो रहा. चलो. हेलो. ये सब की हो रहा है. यू सी दैट विच? विच? ये मुझ पे गुलेलबाजी कर रही थी, ये देखो. अरे रे रे, मरा चोर है, मेरे हरी को चुराकर बैठ गई. हाउ डेयर यू? अबे चुप, मेरे हरी को लौटा दे वरना मैं तेरे को मार डालूंगी. मैं क्या जानू तेरे हरी फरी को, मेरे पास मेरा ओम है. चुप छूटी, मेरे पास मेरा ओम है, ठेंगा तेरे पास. देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा हरी 100,000 रुपया लेकर नासिक जा रहा था अपनी माँ के पास बहन की शादी के लिए, इसने उसको लपक लिया. सफेद झूठ बोल रही है ये लड़की. इंस्पेक्टर, मेरा ओम अपने फादर को देखने नासिक न चला गया होता तो इसका झूठ खोलने के लिए मैं अभी उसे आपके सामने ला खड़ा करती. मेरी गल सुनो माताओं, बहनों और बेटियों. दसो पुत्र जी, जरा शौक नाल दसो. पूज्य माता जी, मैं ये दसने की इजाजत चाहता हूँ. आपका हरी और इनका ओम एक ही है, उसका नाम है हरी ओम. आपसे क्या कर गया है कि मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ. और आपसे क्या कर गया है कि बाप से मिलने जा रहा हूँ. यहाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं. तुम दोनों नासिक जाओ, वहाँ के थाने में रिपोर्ट लिखवाओ. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. तुम्हें मारने के लिए मुझे राम से भेजा था. आ,
से, ये मुझे जान से मारना चाहता था तुम्हारे कहने पे। शिवा, ओम ने पुलिस स्टेशन में अपनी जुबान बंद रखी थी मेरी वजह से, मेरे भाई को बचाने के लिए। तुमने उस पर हमला कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ओम, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। ये तुमने क्या किया? बोल जाओ, अब तो कोई गलतफहमी नहीं। आओ ड्रिंक्स लेते हैं। शिवा को मैंने ही भेजा था तुम्हें मारने के लिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा जुड़वा भाई भी हरि, ये राज शिवा और मुझे मालूम था, आप सिर्फ मुझे। तुम्हारा भाई हरि फांसी चढ़ने वाला है। तुम दोनों का जन्म तो एक साथ हुआ था, मौत भी एक साथ होगी। मैं तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा और हरि को कानून। अरे अरे कोई तो मेरी बात सुनो, अरे कोई है कि नहीं? अरे कमाल है, कोई सुनता ही नहीं है। ओ जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब, जेलर साहब, ओ जेलर। अरे जेलर साहब, न्याय क्या इस संसार से उठ गया है क्या? हमने कितनी बार कहा कि हम ओम नहीं, हमारी हैं, तो हमें उसकी जगह पर क्यों लटकाया जा रहा है? अगर आपको यकीन आए तो मौलाना आजाद गली में जाकर हमारी मां से पूछे कि हम उसके बेटे हैं कि नहीं। देखिए, हमारी मां का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई भी नहीं, वो तो हमारे बगैर मर जाएगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब। देखिए, अरे साहब इतने निर्दयी मत बनिए, हमारी बात तो सुनिए। अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो साहब। अरे हमारी मां की हाय लगेगी, हाय, अरे हमारी हाय लगेगी। अरे जी, क्या दुर्गा देवी यही रहती है? हाँ मैं ही हूं। वो सामने। हरि, हरि, माँ, हरि बेटा, तू यहाँ कहाँ? मैं क्या बताऊँ माँ, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। जज साहब ने कह दिया कि मैं ओंकार हूँ। मैंने उन्हें लाख समझाया कि मैं ओंकार नहीं हूँ, मेरा नाम हरिप्रसाद है, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे मुझे फांसी की सजा दे दी। उस दिन देवी को बचाने के लिए मैंने जो नाटक किया था, वही नाटक फांसी का फंदा बनकर मेरे गले में फंस गया।
माँ माँ जिला साहब माँ माँ जिला साहब मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ इन्हें? फंसा दिया गया है पर दूसरा तो आपके साथ था। मेरे साथ? मुझे मुझे तो पिछले 20 साल का कोई हादसा याद नहीं। तुम्हारे तुम्हारे बिछड़ने के बाद मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। मुझे कुछ याद नहीं। उसका नाम ओम है। मेरे को मालूम है माँ जी, ओम कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे बंबई में देखा है। लगता है हरि को ओम समझकर जेल में बंद कर दिया गया है। ये हरि की मंगेतर है बेटी, उसे कहीं से भी लेकर आ। 20 बरस हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। मैं ओम को लेकर आऊंगी माँ जी, मुझे उसका घर मालूम है। ओम की मौत उस दिन होगी जिस दिन उसका भाई हरि उसके लिए कुर्बानी का बकरा बनेगा। वो दिन कब आएगा भैया? पता नहीं गवर्नमेंट फांसी के मामले में इतनी सुस्त क्यों है। क्योंकि गवर्नमेंट को तुम्हारी और रीटा की प्रेम कहानी मालूम नहीं, इसलिए मैं नासिक जा रहा हूं और फांसी की तारीख मालूम करके आता हूं। तुम ओम पे नजर रखना, रीटा पे नहीं। क्यों नहीं? ओम मेरे किस काम का? रीटा पे नहीं, रीटा मेरी रीटा। हेलो। जी साहब। रीटा को उठा लाओ। साहब पहाड़ बहुत भारी है। छाता लेकर जाओ। Thank you.
थैंक यू, पर एक बात पूछूं? नहीं, पूछे बिना बता देती हूँ। उस दिन मुझे लगा कि तुमने मेरे हरी को लपक लिया, और आज बस ऐसे ही। अब मुझे पता चला कि तेरे वाला ओम है। शादी के बाद निशान लगाना पड़ेगा, वरना गड़बड़ भी हो सकती है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन हरी ओम की जगह जेल में है, तो फिर ओम कहाँ है? अपने डैडी से मिलने नासिक गया हुआ है, पर वो वहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? बोल, ओम कहाँ है? रामसी के पास। रामसी? नमस्ते। नमस्ते। क्या आप ही ओम और हरि के माता पिता हैं? जी हाँ। मैं हरि का वकील हूँ। कोर्ट में गवाही के लिए मुझे आपकी सख्त जरूरत है। आपको मेरे साथ बंबई चलना होगा। जी हाँ, चलिए। जोड़ो जोड़ो, हाथ जोड़ो। अभी हाथ जोड़ रहे हो, बाद में और कुछ जोड़ोगे। चाहता बनू प्यार की राहों का देवता, लेकिन तुमने बना दिया है मुझे गुनाहों का देवता। पको, क्या काम है? हमें ओम चाहिए। क्यों? मेरा हरी बेगुनाह है, उसे फांसी लगने वाली है। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि हरी और ओम जुड़वा भाई है, और कानून हरी को ओम समझकर फांसी की सजा दे रहा है। यानी के ओम तो मारा गया ना ऑफिशियली, और एक आदमी दो बार तो नहीं मर सकता। इसलिए अगर मैं ओम को जान से मार दूं तो कानून मुझे नहीं पकड़ सकता, और ओम को मारना मेरे लिए बहुत जरूरी है। रीटा, तुमने हमेशा मेरे प्यार को ठुकराया, मुझे बेवकूफ बनाया, गधा बनाया। जैसे तुम्हारे उस दिन तेवर बदल गए थे ना, आज इस साले के तेवर भी बदल गए हैं। तुम ठहरो इधर, मैं ओम को लेकर आता हूं। जिंदा नहीं, मुर्दा। संभालो इनको। इंस्पेक्टर यादव का खून तूने किया था, चल। रुक जाओ, कहीं नहीं जाएगा। मेरे बेटा, मां, तुमने मेरे प्यारे भाई पर हाथ उठाकर अपने पूरे खानदान की मौत को बुलाया है। ये तुम्हारी मां है। माँ, 20 बरस से तुमने इसे नहीं देखा, इसने भी तुम्हें नहीं देखा। जाओ मिलो अपनी माँ से, मिलो। जल्दी ही वो मेरी गोली की शिकार होने वाली है। चलो चलो। हाँ।
है। भैया तुम एक मिनट। इस आदमी ने इंस्पेक्टर यादव का खून किया, जिसके जुर्म में आपने मुझे गिरफ्तार किया, और उसकी सजा मेरे जुड़वा भाई हरिप्रसाद को मिली है। इस आदमी ने मुझे फंसाने के लिए एक चाल चली, और उसका शिकार आज खुद बन गया। इसने मेरे हाथों से मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की, और आज इसी के भाई ने इसका कत्ल कर दिया। चलो भैया। मां, सब हालात को मद्देनजर रखते हुए हरिप्रसाद को बाइज्जत रिहा किया जाता है। छोरी